ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर से फरवरी के दौरान पड़ी भीषण गर्मी की वजह से नदियों का जल स्तर खतरनाक ढंग से नीचे आ रहा है। सिडनी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जल स्रोत 1940 के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति से निपटने के लिए न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने फिर से एक बार सख्त कानून बनाना पड़ा है। प्रशासन ने जो नियम तय किए हैं उनके मुताबिक जल को खुला छोड़ देना भी अपराध की श्रेणी में आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर किसी ने अपने बगीचे में पानी डालने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया तो उसे जुर्माना भरना होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को पानी बर्बाद करते देखा गया तो उसे 10,613 रुपये का जुर्माना देना होगा और संस्थान को 26,532 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंध अगले सप्ताह से लागू होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने 2009 में प्रतिबंध लागू किए थे। सिडनी के कुछ इलाकों में यह दशकों के बाद आज भी लागू है। उस दौरान भी पानी की बर्बादी करने पर लोगों को जुर्माना देना पड़ता था या इसका प्रावधान था। कुछ अरसा पहले सिडनी के मरे डार्लिंग नदी में पानी की कमी से बहुत सारी मछलियां मर गई थी। चुनाव में ये बात को मुद्दा भी बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नदी में पानी का बहाव कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है जिसके वजह से मछलियों की मौत हो रही है। साउथ ईस्टर्न स्टेट की जल मंत्री मेलिंडा का कहना है कि सारा इलाका भीषण से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। प्रतिबंध इसी वजह से लागू किए जा रहे हैं। SPN 9 से कुमार अभिनव की रिपोर्ट।